वो कोई जान बूझ करके उस व्यक्ति ने, मंत्री जी ने नहीं किया था, उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब इसके आगे नहीं सोचना चाहिए, वो आदमी पहली बार उसको मौका मिला है, भाई जब पूरी बात अब जान ली, हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि आपने कह दिया, उनको रियलाइजेशन हो गया, हम लोग भी जान गए, सारी बात को बता दिया, लेकिन अब इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो बुला लिए, बात किए। देखिए कभी कभी होता है ना कि कोई भी व्यक्ति को सारी बात की जानकारी नहीं होती है, तो उनको लगा, उनको जो लगा उनको लगा होगा, वो नहीं गए थे तो कोई चला गया, लेकिन उनको पूरी बात बताया गया, समझाया गया, जाकर के खुद ही उन्होंने स्वीकार किया, महसूस किया कि हाँ ये चूक हुई, क्योंकि किसी चीज़ की कोई एक बारे में हमसे पूछा भी है कि एक जगह ऐसा देखे थे, हमने कहा कि नहीं, वो बाजाबता इनवाइटेड थे फॉर्मली किसी भी कार्यक्रम में, कोई भी व्यक्ति अगर जो भी कार्यक्रम है सरकारी उसकी तरफ से कोई व्यक्तिगत रूप से इनवाइटेड है कार्यक्रम में, और जो भूतपूर्व रहे हैं मंत्री, भूतपूर्व रहे हैं मुख्यमंत्री, भूतपूर्व रहे हैं केंद्रीय मंत्री, कई लोग हैं जो आते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी का कोई आदमी और परिवार का भी कोई आदमी कहीं किसी कार्यक्रम में आपकी जगह पर चला जाए, ये ठीक नहीं। वो कार्यक्रम में तो जा सकता है, कोई भी आकर के आपका कार्यक्रम है जा सकता है, शामिल हो सकता है, देख सकता है, लेकिन उसको औपचारिक कोई भूमिका नहीं निभानी। वैसे तो सबको अधिकार है, कोई भी आदमी जा सकता है, आपके समर्थक, आपके शुभचिंतक, आपके पार्टी के लोग, कोई भी आ सकते हैं कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम के ऊपर जो भूमिका आपको निभानी है, उस भूमिका को पार्टी का कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो ये सारी बात हो गई, उन्होंने इस बात को मान लिया और बाहर मीडिया के सामने कह दिया, हम लोगों ने पूरी बात समझा दी, हमको तो आश्चर्य हुआ था, इसलिए तो हम कहे, हमको मालूम नहीं था। जब वहाँ विधानसभा में लोग बोल रहे थे और मेरे पास प्रेस का ही एक कॉपी भेज दिया, तो हमने देखा, तो हमने कह दिया कि भाई मुझे आश्चर्य हो रहा, मैं ज़रूर बात करूँगा, और हम तत्काल बात कर लिए, और इसके लिए आप जानते ही हैं कि उनके साथ बातचीत हो गई और सब कुछ समझ लिया, उनको भी कोई दिक्कत नहीं और ऐसी कोई गलती नहीं करे। वो कोई जान बूझ करके उस व्यक्ति ने, मंत्री जी ने नहीं किया था, उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि कोई चला गया तो कोई मेरी जगह पर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इसका कोई उनको आइडिया नहीं था। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब ऐसी बात है, जो जिन लोगों ने भी सवाल को उठा दिया, हम उनको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ये बात आ गई तो इससे पता तो चल गया, लेकिन अब इसके आगे नहीं सोचना चाहिए। कोई आदमी पहली बार उसको मौका मिला है, भाई जब पूरी बात अब जान लिए, हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि आपने कह दिया, उनको रियलाइजेशन हो गया, हम लोग भी जान गए, सारी बात को बता दिया, लेकिन अब इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप मान लीजिए कि कोई भूल हुई है, आगे उन्होंने इसको ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया है, इसलिए उनको क्षमा कर देना।